I would like to request all of you, first of all, to go and recite Durood Sharif. Please go ahead. Allahumma salli ala Muhammad. Jazakallah. First of all, I would like to pay my respect and gratitude to Garrison Cadet College, Kohat, for having me here. And specifically, I would like to pay my thanks to Captain Saab, Captain Sultan Saab, and Vice Principal, and all the faculty, and all the management of Garrison College, Cadet College, Kohat, for having me here. And yakeen janiye, main bahut zyada khush hoon aaj, aur ye mere liye ek bahut badi saadat ki baat hai ki main aap sabke darmiyan maujood hoon. Thank you so much for having me here. आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, ओके, आवाज़ सही है. ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया. आज इस सेशन में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. हम ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे. ऐसी चीज़ें जिनको मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली फ़ील किया अपनी इस 6 ईयर्स की जर्नी में, जिस चीज़ ने मेरी मदद की इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में. क्योंकि मैं जिस भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कोई सेमिनार ज्वाइन करता हूँ, अगर वहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, सो द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आई हैव बीन आस्क्ड वो ये है कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आता है, आप किस तरीके से इतनी बड़ी ऑडियंस को आप फेस करते हो. क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, हमारी सोसाइटी के लोग इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं. हमारे बच्चों के अंदर एक फियर होता है ऑडियंस को फेस करने का, पब्लिक को फेस करने का, लोगों को फेस करने का. इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, हमारी जितने भी बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया के साथ, इन चीज़ों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं. प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हमारे बच्चे आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में जितना पहले लोग लेते थे, इसलिए उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता था. तो ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया कि आप ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हो. तो इस चीज़ के ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे. इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप सबके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है मेरे लिए, और हम सब के लिए इसको जानना और समझना ज़रूरी है. सबसे पहली बात हम करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर. किस चीज़ के ऊपर? कैरेक्टर बिल्डिंग. ओके, रिमेंबर दैट वेन एवर आई स्पीक, तो ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव. ओके, जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिव कोई चीज़ होती है, तो ज़रूर रिस्पॉन्स दिया करें. क्योंकि इससे होता ये है कि जो स्पीकर होता है, कोई भी स्पीकर, उसको लगता है कि लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और वो कैच कर रहे हैं व्हाट दे आर सेइंग. अंडरस्टूड? एक्सीलेंट. तो सबसे पहली बात किस चीज़ की करेंगे? कैरेक्टर बिल्डिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर बिल्डिंग? कोई मुझे बता सकता है आप इसे? इफ यू नो देन रेज योर हैंड्स. What do you mean by character building? What is our character? Anybody? Nothing at all? Come on. Yes, Captain Saab. Anything about character building? Proper response at proper timing. Proper response at proper timing. Excellent, excellent. Sit down. Yes, anybody else? Come on, come on. Try to be responsive. Anybody else? Any idea about what is a character? Let me tell you. एक किरदार क्या होता है, एक कैरेक्टर क्या होता है? कैप्टन साहब ने बताया कि एक किरदार वो शख्सियत है जो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे प्रॉपर टाइम पे. मतलब हर वक्त के लिहाज से, हर वक्त के तकाजे के मुताबिक, हर माहौल में वो पहले माहौल को जज करता है, माहौल को अंडरस्टैंड करता है कि मैं किस किस्म के माहौल में खड़ा हूँ, मेरे इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, मेरे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, ये स्टूडेंट्स है, ये फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, कौन है, ये एनवायरनमेंट को जज करता है. सबसे पहले एनवायरनमेंट को जज करने के बाद वो अपनी बात को जज करता है, जो बात वो कहने जा रहा है, और इन चीज़ों को जज करने के बाद वो फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और ये सब कुछ वो मिली सेकेंड्स के अंदर करता है. सो अ कैरेक्टर इज समवन हु गिव्स द प्रॉपर रिस्पॉन्स एट अ प्रॉपर टाइम. अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एक कैरेक्टर वो है जिसके होने से फ़र्क पड़े. क्या हो? जिसके होने से किसी भी माहौल में फ़र्क पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब के अंदर, आप सब में कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जिसके माहौल में जब आप बैठते हो, जिसके साथ जब आप बैठते हो, बातचीत करते हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ बैठना, उसकी बातें सुनना, उसके साथ गपशप लगाना, बातचीत करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, एक्सचेंज करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप सबको. ऐसे स्टूडेंट होंगे ना आप सबके बीच में, ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे टीचर्स होंगे जिनके साथ बैठना आपको अच्छा लगता है, और जब वो उस माहौल से उठ के चले जाते हैं तो फिर आप
बैठ के सोचते हो कि उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसकी ये आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उसका ये अखलाक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसी तरीके से एक कैरेक्टर वो होता है जिसके होने से फ़र्क पड़े किसी माहौल में। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? सो दिस इज़ वॉट अ कैरेक्टर इज़। अब अपने आप को ऐसा हम कैसे बनाएं कि हमारे होने से भी फ़र्क पड़े और हमारे ना होने से भी फ़र्क पड़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पीपल इन दिस टाइमिंग्स आर हमारी सोसाइटी में वो ऐसे होते हैं कि जिनके होने से भी कोई फ़र्क नहीं है और जिनके ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं है, तो उनकी लाइफ जो है दैट इज़ अ टोटल वेस्ट। सो हाउ टू बिल्ड दैट कैरेक्टर कि आपके होने से फ़र्क पड़े, जब आपके साथ लोग बैठे आपकी बातें लोगों को अच्छी लगें, होती है ना कि आप उनकी बात सुनते हो तो दिल में उतर जाती है आपकी बात सीधी, तो इस तरह कैरेक्टर कैसे बनते हैं इस चीज़ के ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखें, द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू कंसिडर इज कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट? कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, इस चीज़ को हम डेली बेसिस पर सुनते हैं कि बातचीत को ठीक करो, अपने बोलने के अंदाज को ठीक करो, अदब के साथ बोला करो, इखलाक के साथ बोला करो, ये हम डेली बेसिस पर सुनते हैं। बट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल? I'd rather say that communication skill से मुराद लोगों को अपनी बात समझाना है। क्या? लोगों को अपनी बात समझाना is the highest level of communication skill, कि आप जो बात करो लोगों को उसकी समझ आए। हम अक्सर कोई स्टोरी बयान करते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, या किसी का टॉक शो सुनते हैं, या किसी का लेक्चर सुनते हैं, तो हमारे जहन में एक तस्वीर चल रही होती है, एक पिक्चर एक मूवी से हमारी जहन में क्रिएट होती जाती है, और ये एक फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, एक थॉट्स का चेन होता है जो कंटिन्यू चला जाता है। अगर वो थॉट्स का चेन या फ्लो ऑफ थॉट टूट रहा है आपकी बातों में बार बार, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव्ड नहीं है। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो कि सामने वाले बंदे के जहन में पूरी मूवी चल रही है जो आप बोल रहे हो, ठीक है, और ये जो फ्लो ऑफ थॉट्स है या जो ये जो फ्लो ऑफ ये जो चेन है थॉट्स का, ये कंटिन्यूड है, ये कंटिन्यू जा रहा है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो ये आपकी बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है। सो वॉट डू वी मीन बाई कम्युनिकेशन स्किल? लोगों को अपनी बात समझाना। अब दूसरी पॉइंट ये आता है, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को तो अपनी बात समझा रहे हो, लेकिन लोगों की बातों को आपको समझ नहीं आती। कोई और जब बोलता है, चाहे वो बोलता है, बात करता है, लिखता है, जो भी करता है, आपको उसकी बात समझ नहीं आती। ये एक दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहली बात क्या कि आप लोगों को अपनी बात समझाओ, चाहे आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई चीज़ बताना चाह रहे हो। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं ना, डरते हैं बोलते वक्त, क्लासरूम में टीचर्स उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आ जाओ खड़े हो जाओ और प्रेजेंट करो, आप प्रेजेंट करो जो फीलिंग्स है आपकी, जो आपने प्रेपरेशन की उस चीज़ को प्रेजेंट करो, तो वो डरते हैं प्रेजेंट करने से, वो छुपाते हैं खुद को, राइट? कोई एक बहाना लगाते हैं, कोई दूसरा बहाना लगाते हैं, कोई कहते हैं मैंने प्रेपरेशन नहीं की, कोई कुछ और कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिला प्रेपरेशन करने के लिए, ऐसे एक्सक्यूजेज हम बनाते रहते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमें डर लगता है हम दूसरों को बात नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमने सबसे पहले काम करना है। दूसरा कि हमें लोगों की बात समझ आए। अब ये और भी ज़्यादा मैटर करती है। हम अक्सर क्लासरूम में बैठे होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमें पढ़ा रहे होते हैं, कोई एक पॉइंट है फिजिक्स में, आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो या कोई लॉ पढ़ रहे हो, या केमिस्ट्री में आप कुछ पढ़ रहे हो, या बायोलॉजी में आप कुछ पढ़ रहे हो, या मैथमेटिक्स में आप कुछ पढ़ रहे हो, तो टीचर आपको समझा तो रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही, और क्लासरूम में बैठे हुए आप फिजिकली तो क्लासरूम में बैठे हो लेकिन मेंटली आपका दिमाग कहीं और घुमा होता है। अक्सर ऐसा भी होता है हमारे साथ, हमारा दिमाग किसी और चीज़ में, किसी और ऐसी एक्टिविटी में जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हमारा जहन उस चीज़ की तरफ अक्सर चला जाता है, जिसकी वजह से हम लेक्चर जो टीचर हमें पढ़ा रहा होता है, जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसे मिस कर देते हैं अक्सर। ये सबसे बड़ी गलती है। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये आदत डालनी होगी हमें कि हम किस तरीके से दूसरों को समझ सकते हैं। हम डेली बेसिस पर अपनी गलतियाँ तो नोट करते हैं, अपनी वीकनेसेस को नोट करते हैं, लेकिन हम फिर उनके ऊपर काम नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी। हमें पता है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं करते हैं, बस छोड़ देते हैं, जहन से निकाल देते हैं उस चीज़ को। तो दूसरी बात है लोगों की बातों को समझना कि लोग आपको क्या बताना चाह रहे हैं असल में। तीसरी बात कि आप लिख के लोगों को समझाएं। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिख के लोगों को समझाएं। अपनी राइटिंग स्किल को इतना इम्प्रूव करें कि जब भी आप एग्जामिनेशंस में हो, या आप कोई बुक लिख रहे हो, या आप कोई एसे लिख रहे हो, या आप कोई बायोग्राफी लिख रहे हो, जो कुछ भी आप लिख रहे हो, तो उसमें इतना असर हो कि सामने वाला जब पढ़े तो उसके जहन में वर्ड से उसके जहन में एक पिक्चर चल रही हो, एक मूवी कंटिन्यू हो रही हो आपके वर्ड से। ऐसी राइटिंग स्किल अपनी इम्प्रूव करो। और फिर द लास्ट वन इज़
कि अपनी रीडिंग स्किल्स को हद से ज़्यादा इंप्रूव करो, कि जब आप रीड करो तो आपको पहला पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन होता है उसको रीड करके आपको पूरा पैसेज का समझ आ जाए कि ये पूरे पैसेज में या पूरे ऐसे में क्या लिखा हुआ है। सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते ही ये आपकी सबसे पहली एक स्टेज है, इसको मैं स्टार्स का नाम देता हूँ अक्सर अपनी स्पीच में, कि ये आपके कंधे के ऊपर एक स्टार लगता है। जिस तरह रैंक्स होते हैं ना हमारी आर्मी में, हमारी फौज में रैंक्स होते हैं, कर्नल का अलग रैंक होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल का अपना रैंक होता है, ये कैप्टन के अलग रैंक होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं ब्रिगेडियर के अलग रैंक होते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको कैरेक्टर बिल्डिंग के रैंक्स कहता हूँ। क्या चीज़? कैरेक्टर बिल्डिंग के रैंक्स या कैरेक्टर बिल्डिंग के स्टार्स। तो जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, आप अपनी लोगों को अपनी बात समझा सकते हो और लोगों की बात को समझ सकते हो, लिख के भी, बोल के भी और रीड करके भी आप लोगों की बात समझ रहे हो, तो ये एक स्टार लगता है आपके कंधे के ऊपर। क्या लगता है? एक स्टार लगता है आपके कंधे के ऊपर। अच्छा, दूसरा स्टार लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे? दूसरा स्टार लगाने के लिए हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में तीन किस्म के लोग होते हैं, याद रखें। कितने किस्म के? तीन। सबसे पहला वो इंसान कि जिसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, वो लाइब्रेरी में बैठा है, अकेले बैठा है, किताब पढ़ रहा है, उसके सर के ऊपर एक लाइट लगी है जो उसे रोशनी दे रही है और उसकी मदद करी है किताब पढ़ने में, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाइटें और इजाफे लगी हैं लाइब्रेरी में, वो देख नहीं रहा, उसे इग्नोर कर रहा है। ऐसे होते हैं ना हमारे दरमियान, कुछ लोग इग्नोर करते हैं औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, नज़र ही नहीं आता उनको। अब एकेडमिक ब्लॉक की तरफ जा रहे हो गए, सीढ़ियों से उतरते हुए रास्ते में कोई गन नज़र आ गया, रैपर नज़र आ गया, कोई भी चीज़ नज़र आ गई ऐसी जो और लोगों के चलने में रुकावट बन सकती है, आपको नज़र नहीं आता वो। ये सबसे पहले ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आती, नज़रअंदाज करते हैं हर एक चीज़ को। दूसरे वो लोग जिनको प्रॉब्लम नज़र तो आती है लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ ख़राब है, लाइट्स लगी है, एग्ज़ाम्पल वही पुरानी लेते हैं हम, क्या हमारी लाइब्रेरी में लाइट्स लगी हैं एक्स्ट्रा, आप बैठे हो, आपने देखी कि एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हैं, आप ये जहन में सोचते हो कि यार ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है लाइट्स बंद करना, ये तो जिसका काम है ये वही करे, वो जाने उसका काम जाने, मैं क्यों औरों के काम में दखल अंदाजी करूं। अब ये गलत है, ये दोनों फील्ड के जो लोग हैं दोनों गलत हैं। एक वो जिसको नज़र नहीं आ रहा और दूसरा वो जिसको नज़र तो आ रहा है लेकिन वो किसी और की जिम्मेदारी समझ कर उसको छोड़ रहा है। ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ते ज़िंदगी में, याद रखो। क्या नहीं करते? कभी आगे नहीं बढ़ते ऐसे लोग। हमेशा आपको आगे बढ़े हुए वो लोग नजर आएंगे जो औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अदा करते हैं, हमेशा आगे वो लोग नजर आएंगे। जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स नजर तो आती है और वो उस प्रॉब्लम के ऊपर बोलते भी हैं, लेकिन सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन निकालते हैं उस प्रॉब्लम का, सोचते हैं उसके ऊपर कि यार ये माइक है, ये यहाँ पे ऐसा गलत पड़ा हुआ है, ये क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है? और वो सिर्फ कहता नहीं है कि क्यों पड़ा हुआ है, वो इस माइक को उठा के जो इसकी अपनी जगह है वहाँ पे जाके उसको प्लेस भी करता है। ये तीसरे लोग हमेशा ज़िंदगी में आगे जाते हैं। अगर आपको कोई दोस्त है, ठीक है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है, उस दिन वो अल्लाह ना करे बीमार है या कोई मसला है उसको, और आप ये कहते हो कि भाई ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका काम है, ये करने दो, ये जाने उसका काम जाने, नहीं, आपने क्या करना है कि अपने उस दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है और ये जिस दिन आपके अंदर बिल्ड हो गया तो यकीन जाने आप जिंदगी में जिस फील्ड को भी ज्वाइन करोगे, चाहे आर्मी की फील्ड हो, चाहे कोई और फील्ड हो, जिस फील्ड को भी ज्वाइन करोगे आप आगे बढ़ोगे उस फील्ड में हमेशा, ये बात रहा देखो। लेकिन उसकी बुनियाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए कि आपके अंदर ऐसी स्किल हो कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालो। सिर्फ आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं है, उसका सॉल्यूशन देना और उसको प्रैक्टिकली हल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? एक्सेलेंट। तो समझ आ गई इन दो पॉइंट्स की आपको? शैल वी मूव टुवर्ड द थर्ड वन? लेट्स डू इट। तीसरा, द थर्ड वन इज नोन एज रीमॉड्यूलिंग योरसेल्फ। व्हाट? रीमॉड्यूलिंग योरसेल्फ। अब रीमॉड्यूलिंग से क्या मुराद? रीमॉड्यूलिंग से मुराद, फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कभी स्मार्टफोन यूज किया है? जाहिरी बात है सबने यूज किया होगा। तो जब भी आप स्मार्टफोन यूज करते हो उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, उससे क्या होता है? नए फीचर्स होते हैं उस कंपनी की तरफ से उस स्मार्टफोन के लिए जो लॉन्च हो जाते हैं उस सॉफ्टवेयर अपडेट करने से। फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है उस डिवाइस की, राइट? जितनी भी क्वालिटीज़ होती है उस डिवाइस के अंदर वो फास्ट हो जाती हैं।
उसकी ओएस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नई नई ऐसी फीचर्स लॉन्च हो जाती है जिससे वो यूज़र फ्रेंडली बन जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अब सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो उस डिवाइस का, तो इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है अपने आप का। किसका? अपने आप का। अब हमारे अंदर ऐसा कोई बटन तो नहीं है नहीं कि हम उसको क्लिक करें हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाए। हम इसको खुद ब खुद करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेरी बात गौर से सुनो, हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरीके से वो मोबाइल बनाने वाली कंपनी उस मोबाइल की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसकी स्क्रीन छोटी है या जो कुछ भी है, वो उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर नेक्स्ट ईयर जब वो दोबारा मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती है तो उन प्रॉब्लम्स को नोट करके वो उसका सॉल्यूशन निकालती है उस मोबाइल में और फिर जाके वो डिवाइस लॉन्च करती है, तो वो और भी यूज़र फ्रेंडली हो जाता है और लोगों को और भी पसंद आना शुरू हो जाता है। ये एक डिवाइस का कमाल होता है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। हम कहते हैं ना कि एक उंगली अगर हम किसी और की तरफ करते हैं तो बाकी की चारों उंगलियां मेरी तरफ आ रही होती हैं। तो सबसे अगर हम किसी और की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं तो हमें अपनी वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ये जो चारों उंगलियां हमारी तरफ आ रही है, इन वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करना होगा। अब वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है ना, हमारे दोस्त आते हैं या हमारे टीचर आते हैं, कहते हैं हमें कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है बच्चे, इसको ठीक करो। कहते हैं ना हमारे टीचर्स, हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई बहनें जितने भी हैं, वो सब हमारी प्रॉब्लम्स को हमारे लिए आइडेंटिफाई करके देते हैं कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म करो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं वक्त पे नहीं उठता, मेरे अंदर सुस्ती है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे ख़त्म करूं। अब वो इसको आइडेंटिफाई करना शुरू करता है वो अपने टाइम टेबल को, जो स्केड्यूल होता है उसका, वो पूरा देखता है, रिव्यू देते हैं उसका कि मेरी टाइम टेबल में ऐसा मैं क्या करता हूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है या जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं रहता ज़्यादातर। तो वो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उस प्रॉब्लम को निकालता है और उसका एक सॉल्यूशन पेश करता है कि मेरे अंदर ये सुस्ती है इस वजह से है, तो मैं कल से लिहाजा ये काम नहीं करूंगा ताकि मेरी ये सुस्ती अंदर से ख़त्म हो जाए और मैं एक्टिव हो जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात आपको? एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, दूसरा है ऐसे लोग जो प्रॉब्लम्स नज़र तो आते हैं लेकिन उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे आराम से। ये जो कर लेंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग भी कभी नहीं बढ़ते अपनी ज़िंदगी में। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? So in our life, whenever we face a problem or whenever we identify our weakness or if someone identifies our weaknesses for us, what shall we do is, everybody, what should we do then? We should work on it. We should convert our weaknesses into our strengths, understanding or not. So apni weaknesses ko identify kare aur usko apni strengths mein convert kare. जब आप अपने आप को इस तरीके से रीमॉड्यूल करोगे तो क्या होगा, आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी को, आप अप टू डेट रहोगे अपने एनवायरनमेंट के साथ, इस दुनिया के साथ अप टू डेट रहोगे। अब जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो पाकिस्तान में 10 साल बाद 20 साल बाद आके वो टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाती है, उसकी वजह क्या है कि हम अपने आप को रीमॉड्यूल नहीं करते, हम अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते। अब देखें, फेसबुक ने मेटावर्स लॉन्च कर दिया, ठीक है, उसका अर्ली वर्जन लॉन्च हो गया और वो उसके ऊपर और भी काम करे ताकि उसको और भी यूज़र फ्रेंडली बना सकें। अब आज से 5 साल बाद क्या होगा? आज से 5 साल बाद कैप्टन सुल्तान साहब मुझे कॉल करके ये नहीं बताएंगे कि हमाद साहब ज़रा गैरिसन कैडेट कॉलेज को हाट आए, उस स्टेज पर खड़े होकर ये स्टूडेंट्स को लेक्चर दो, बल्कि कैप्टन साहब मुझे कॉल करेंगे और कहेंगे हमाद साफ़ी साहब, ये हमारी एप्लीकेशन है, ये मेटावर्स में हमने लॉन्च कर दिया, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप घर बैठे हमारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करें और स्टूडेंट्स भी घर बैठे आपके लेक्चर को सुने। आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद यही होने जा रहे हैं। आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर बैठे बैठे आप कोई भी काम कर पाओगे, चाहे स्टडीज़ हैं आपकी या चाहे ट्रैवल एंड टूरिज़म तक जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी आपके घर के अंदर तक। ऐसी चीज़ें लॉन्च होने जा रही हैं, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं, हम ऐसी चीज़ों से ताल्लुक़ ही नहीं रखते हैं, बल्कि हम वही पुरानी जितनी मेंटालिटी है बस हम उन्हीं सोचों में पड़े हुए हैं। अब यही जो रीमॉड्यूल नहीं कर रहे हम अपने आप को, अप टू डेट नहीं रख रहे अपने आप को, इसी चीज़ों की वजह से हम बाकी ममालिक से काफ़ी हद तक पीछे रह चुके हैं। सो व्हाट शैल वी डू इज दैट वी मस्ट रीमॉड्यूल आवर सेल्फ, हमने अपने आप को रीमॉड्यूल बनाना होगा। एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पे मैं आपको नोकिया कंपनी की एग्जांपल देता हूँ। अब ये जितने भी
टीचर्स बैठे हुए, इनको तो नोकिया का दौर याद होगा कि कितनी सक्सेसफुल कंपनी थी नोकिया एक दौर में, बहुत बड़ा नाम था। किसके पास नोकिया का मोबाइल होता था तो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी हमारे मुआशरे में, ऐसा होता था। आप सबको याद है? बिल्कुल याद होगा आप सबको। अच्छा, फिर ऐसा वक्त भी आया कि नोकिया कंपनी बिल्कुल डूब गई, कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। ऐसा वक्त भी आया, हम सब ने देखा ऐसे वक्त को। आज भी ऐसा ही है कि नोकिया कंपनी का कोई नाम ही नहीं लेता, बल्कि सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज है जिनका नाम लिया जाता है वो है सैमसंग, हुआवे और एप्पल। ये तीन ऐसे स्मार्टफोन कंपनीज हैं जिनके स्मार्टफोन्स पूरी दुनिया में बिखरे हैं। अब नोकिया क्यों इतना पीछे रह गया? ऐसा क्या था कि नोकिया द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड और या स्मार्टफोन की कंपनीज में, स्मार्टफोन की मार्केट में जिनकी मोनोपोली थी, वो किस तरीके से ऐसे आ गए कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें भी उसका हिस्सा नहीं है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने आप को रिमॉड्यूल नहीं किया। जब नोकिया के CEO थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो जब बेचने लगे अपनी कंपनी को, तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप क्यों अपनी कंपनी को बेच रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि नोकिया की कंपनी डूब गई? तो उसने ये जवाब दिया कि बाकी जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज थी उन्होंने अपने आप को अपडेट रखा, वो सेलफोन से जो है वो स्मार्टफोन की तरफ बढ़ने लग गए, वो जितने भी डिवाइसेज हैं उन सबको और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और पोर्टेबल डिवाइसेज बनाने लग गए, लैपटॉप्स बनाने लग गए, स्मार्टफोन्स बनाने लग गए, स्मार्ट वॉचेज, स्मार्ट ग्लासेस बनाने लग गए। लेकिन हम वही पुराने नोकिया के मोबाइल्स बना रहे थे, हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसी वजह से हमारी कंपनी लॉस कर गई और हम इस हद तक आ चुके हैं कि आज हम अपनी कंपनी को बेच रहे हैं। अब देखें कितनी बड़ी बात कर दी उसने कि हमने क्या करना होगा इन लाइफ, वी विल हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स। समझ आ रही है आप सबको? तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए सिंपल ये है कि आप हर 2 से 3 महीने बाद, कितने वक्त बाद? हर 2 से 3 महीने बाद आप कोशिश करें अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करें। अपने दोस्तों से पूछें कि मैं जब आपके साथ बैठता हूँ मैं कोई गलत बात तो नहीं कहता, मैं कोई गलत तरीके से कोई बात तो नहीं करता, गलत अखलाक से पेश तो नहीं आता। अपने टीचर से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें कि ऐसी क्या कमी है कोई मेरे में जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने में। वो डेफिनेटली आपके साथ रोज़ उठते बैठते हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे आपकी वीकनेसेस। आपने उन्हीं चीज़ों को नोट करके उन चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जुड़ा रखना होगा, गूगल के साथ, सोशल मीडिया के साथ, इन चीज़ों को आपने जुड़ा रखना होगा। क्योंकि अभी हम जितनी भी कोशिश करें इन चीज़ों से हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हमारे बड़े ये कहते तो हैं कि टेक्नोलॉजी को ज़रा कम इस्तेमाल किया करो, लेकिन चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हो, आज सब स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, कोई भी उससे बचा नहीं है। तो जब सब लोग उसको बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, राइट? उसको हम ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करें कि जिससे हमें भी फ़ायदा हो और जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद भी उससे इस्तेफादा हासिल करें और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। हम इस तरीके से क्यों नहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का हम ऐसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप अभी जब आपको टाइम मिलेगा पर्सनल स्टडीज़ के लिए रात के वक्त, तो उस वक्त बैठ के खुद से ये सवाल पूछना कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे या हम अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर रहे, अपनी वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। ये जितने भी सवाल आते हैं ये सब अपने आप से पूछते रहना, तो क्या होगा कि आपके अंदर से खुद ब खुद उसके हल आपके लिए निकल आना शुरू हो जाएंगे। वो खुद ब खुद अंदर से आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा, आपकी इनर बॉडी वो आपको बताना शुरू कर देगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करो तो तुम अपने किरदार को बेटर कर पाओगे। जब आप इस तरीके से अपने अंदर वाले जो हमाद के साथ कॉन्टैक्ट बनाओगे तो इस तरीके से आप अपने आप को बेटर बना पाओगे। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? Yes. समझ आ गई इस तीसरे पॉइंट की भी? रिमॉड्यूलिंग आवर सेल्फ्स, व्हाट? चलो रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। द सेकंड वन व्हाट? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक्सेलेंट। द थर्ड वन रीमॉड्यूलिंग ऑसल। माशाल्लाह आपकी सबकी तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है बाकी ऑडियंसेस से, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, चौथी बात जो मैं करने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो गौर से। चौथी बात ये है कि हमने नेचर से सीखना है। किससे? नेचर से सीखना है। अब देखिए कुदरत जो है, ये कुदरत, इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। क्या है? एक बहुत बड़ी खूबी है। और वो बहुत बड़ी खूबी क्या है कि कुदरत चाहे जो भी हो वो अपने मकसद तक पहुंचती ज़रूर है। क्या? जो भी हो अपने मकसद तक कुदरत ज़रूर पहुंचती है। और दूसरी बात, उसके मकसद का ये जो सफ़र होता है उसमें कंटिन्यूटी होती है। क्या होती है?
एक तसलसल होता है जिस तसलसल को हम रोकते नहीं हैं, ना हम रोक सकते हैं ना कभी कोई रोक पाएगा उस तसलसल को बीच में। ये कुदरत की एक बहुत बड़ी सलाहियत है, ये कुदरत की एक बहुत बड़ी खूबी है। और जिस तरीके से अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में सूरह रहमान में फरमाते हैं कि तुम उठो देखो कि किस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है, हमने किस तरीके से सबको एक बैलेंस में रखा है, एक बराबर एक तराजू बनाकर हमने सब चीज़ों को बैलेंस किया है। ये अल्लाह हमें बता रहे हैं सूरह रहमान में कि आप सीखो इससे। इसमें आपके लिए क्या है? इसमें आपके लिए एक नसीहत है। अब नसीहत क्या है? आप कुदरत से हम क्या सीख सकते हैं? एक पौधा है, वो बढ़ रहा है, बढ़ के हमें पल दे रहा है, अब इससे हम क्या सीखें? इससे हम ये सीख सकते हैं कि इसके अंदर कंटिन्यूटी है, ये अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है। और एक पौधे का मकसद क्या है? एक पौधे का मकसद है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और फल फ्रूट वेजिटेबल्स हमें देना। ये एक पौधे का मकसद है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसा ही है। तो क्या करते हैं, कभी आप लोगों ने ऐसा सुने कि किसी पौधे ने जो है बाइकॉट किया हो, स्ट्राइक लगाया हो, जी हम दो दिन तक खाना वगैरह नहीं देंगे या ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया कि जी आज हम स्ट्राइक पर हैं तो हम दूध नहीं देंगे? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि ज़मीन ने, ये जितने भी हमें मादनियात देते हैं या मिनरल्स देते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि ज़मीन ने देना बंद कर दिया कि एक महीने की छुट्टी लेंगे हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे कुछ भी? कभी ऐसा सुना है आप सबने? कभी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि कुदरत की ये सलाहियत है कि वो कभी रुकते नहीं है, वो कंटिन्यू चली जा रही है। अब ये सूरज को देखें आप, आपने कभी देखा है कि सूरज दोपहर के टाइम पे गायब ही हो जाए, रात हो जाए दोपहर के टाइम पे? कंडीशंस अलग हैं, ऐसी कंडीशन के बादल आ जाएं सूरज गायब हो जाए, ऐसा नहीं, सूरज छुट्टी पर चला जाए, कभी ऐसा देखा है? कभी देखा है कि सूरज जो है वो मशरिक को छोड़कर जुनूब की तरफ से वो तुलू होना शुरू कर दें, हाँ शुमाल की तरफ से तुलू होना शुरू कर दें? कभी ऐसा सुने आप सब ने? कभी नहीं सुना। वाई? क्योंकि ये नेचर की आदत है, ये नेचर की, ये कुदरत की सलाहियत है कि वो अपने आप को कंटिन्यू रखती है, चाहे जो कंडीशन भी हो, चाहे जो मुश्किल भी हो, जो कुछ भी हो, वो अपने मकसद की तरफ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, कभी पीछे नहीं हटती अपने मकसद तक पहुंचने से। अब इस चीज़ में कितना बड़ा सबक है हमारे लिए। हम जब भी अपनी लाइफ में किसी भी मकसद की तरफ जा रहे होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं आती? पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम्स आती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती है, हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि उस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स के, अल्लाह ना करे, उसके पैर ना हो, ठीक है, और वो चाहे कि मैं एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूं, अब कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करती है ना, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन अगर वो शख्स फिर भी चाहे तो वो उसी व्हील चेयर के ऊपर बैठ कर, चाहे उसके पैर ना भी हो, वो उसी पर फुटबॉल करना सीख सकता है। अब एक फुटबॉलर है, मतलब कोई इंटरनेशनल फुटबॉलर नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाता है और अमेरिका का बहुत ज़्यादा वायरल है। उसके पैर नहीं है लेकिन वो व्हीलचेयर पर बैठकर ही अच्छी, बहुत अच्छी फुटबॉल स्किल्स है उसकी, व्हीलचेयर के साथ ही वो उसको कंटिन्यू कर पा रहा। उसका नाम मेरे जहन से निकल गया वरना मैं ज़रूर शामिल करता। अब देखें, वो व्हीलचेयर पर बैठ कर भी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है और अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है। तो यही चीज़ हमें कुदरत सिखाती है। हमारी एक्सक्यूज़ेस होती है ना, भाई आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, आज मेरा बुखार है तो इसलिए मैं काम नहीं करूँगा, हाँ आज ये हो गया है, आज वो हो गया है, लिहाजा मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूँगा, या लिहाजा मैं एक्सरसाइज को ज्वाइन नहीं करूँगा, क्लासेस को ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं आज ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। एक्सक्यूजेज होती हैं हमारी, जिन चीज़ों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते अपनी ज़िंदगी तरफ, राइट? हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाओ, तो हम कहते हैं सर वो असल में हमारे घर में शोर शराबा ज़्यादा होता है, हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते पढ़ने के लिए, हमारे घर में मेहमान बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, सर मेरे ट्यूशन भी होते हैं, सर मेरा ये काम भी होता है, घर का वो काम भी होता है, तो हम इस तरीके से एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, काम को डिले करते रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलत आदत है। तो हमने क्या करना है? कुदरत से ये सीखना है कि किस तरीके से हमेशा, चाहे जो हालात भी हो, हमने हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है, ये कुदरत से हमने सीखना है। और सिर्फ ये चीज़ें नहीं सीखनी, बल्कि और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत हमें सिखाती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमें बैठ कर बस सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा, उन चीज़ों को समझना होगा। समझ आ रही है मेरी बात सबको? सबको मेरी बात समझ आ रही है? अब जिस तरीके से IQ होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, इस तरीके से एक और स्टडी होती है इसके अंदर शामिल होती है, उस स्टडी को जो है नेचुरल स्टडी कहा जाता है। अब वो नेचुरल स्टडी कैसे, कि कुछ लोगों की खासियत ये होती है कि वो कुदरत से ज़्यादा सीखते हैं बजाय इसके कि वो क्लासरूम में बैठकर टीचर से सीखें। होती है लोगों की अक्सर सलाहियत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले बैठकर जो है किसी चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी टीचर की ज़रूरत होती है कोई चीज़ पढ़ने में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुदरत को देखकर उससे सीख रहे होते हैं कि कुदरत किस तरीके से अपना निज़ाम चला रही है। तो अलग लोगों की जो है अपनी एबिलिटीज़ होती हैं।
तो अपने अंदर ये वाली एबिलिटी ज़रूर पैदा करो कि आप कुदरत से देखकर सीखो कि ये कुदरत किस तरीके से हज़ारों लाखों सालों से अपना निज़ाम चलाते आ रही है और आज भी उसी तरीके से सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, वही निज़ाम सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ये किस तरीके से चल रहा है, इसकी वजह क्या है, इस चीज़ को आप सब ने आइडेंटिफाई करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, इन द स्टार्ट अगर आप सबको याद हो तो मैं स्टार्स की बात कर रहा था, तो कंटिन्यूइंग दैट कि ये आपके ऊपर एक आपके कंधे के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्टार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अगर आप अपनी कम्युनिकेशंस बिल्ड करते हो तो ये इस कंधे के ऊपर एक स्टार हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड करते हो तो ये आपके कंधे के ऊपर दूसरा स्टार हो गया। उसके बाद रीमॉड्यूलिंग अगर आप अपने आप की करते हो हर 2-3 महीने बाद तो ये आपके कंधे के ऊपर तीसरा स्टार हो गया। एंड द लास्ट वन नेचर से सीखना, इससे क्या होगा, कंधे पे चौथा स्टार होगा। और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे, आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे और आपकी प्रमोशन होती जाएगी। ऐसा ही ना, जितने आपके रैंक बढ़ेंगे तो उतनी ही आपकी प्रमोशन होती जाती है, आर्मी में, एयरफोर्स में, जितनी भी चीज़ें हो सब में आपकी प्रमोशन होती जाती है। तो इसी तरीके से इन लाइफ अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, इन चीज़ों को समझोगे, आइडेंटिफाई करोगे, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, राइट। हमें टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं, हमें ये जितने भी चीज़ें हैं ये हमें सिखा रही है, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम इसको परवाह ही नहीं है हमारी चीज़ों की, बस होगा, बस आगे देखेंगे, उसके साथ देखेंगे जो होगा आगे। इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने आइडेंटिफाई किया तो उसी वक्त एक सेकंड ज़ाया किए बगैर आपने उसके ऊपर काम करना है और उसको अपनी एबिलिटी में शामिल करना है, अपनी स्किल में शामिल करना है। तो ये क्या होगा, ये स्टार्स आपको प्रमोट करेंगे आपकी ज़िंदगी में, लोग आपकी इज्जत करेंगे फिर इस चीज़ पे। क्या करेंगे लोग? रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। इज्जत क्यों करेंगे? क्योंकि आप ऐसा बोलते हो कि जिससे सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है, सामने वाले को बेनिफिट मिल रहा है, वो अपने ज़िंदगी को बेहतर बना पा रहा है आपके सुनने से, आपकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने से, आपके कैरेक्टर से, आपके साथ बैठने से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पा रहा है। तो ऐसा बंदा आपकी इज्जत नहीं करेगा तो और क्या करेगा आपकी? एम आई राइट और नॉट? अब अगर आपका ऐसा किरदार हो कि जब आपका दोस्त आपके साथ बैठे तो वो घंटों तक ऐसे ही बैठता जाए, आपकी बातों को सुनता जाए, वो थके ही ना, ऐसा कैरेक्टर हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? जिस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर था, उनका किरदार ऐसा कि वो अगर महीनों तक बोलते जाते तो लोग हिले बगैर उनकी बातों को सुनते जाते और उसके ऊपर गौर करते जाते, कभी थकते नहीं उनकी बातों को सुनते हुए। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा था, उनकी ज़िंदगी ऐसी थी। ताइफ में जब उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए तो उन्होंने फरिश्ते को यह हुक्म नहीं दिया कि इस बस्ती को तू तबाह कर दे, बल्कि फरिश्ते को ये कहा, उसको इग्नोर किया और हाथ उठा के उन सब के लिए दुआ की कि अगर ये नहीं तो कम से कम कि आने वालों नस्लों में से कोई इस्लाम कबूल कर लेगा और अपनी दीन के लिए खैर पहुंचा पाएगा। और यही हुआ, मोहम्मद बिन कासिम उसी जगह से निकलता है, 17 साल की उम्र में आके सिंध को फतह करते हैं और यहाँ पे इस्लाम की बुनियाद डाल देता है। कितना बड़ा खैर का काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को ये हुक्म कर दे कि इस बस्ती को ख़त्म कर दो तो क्या मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो पाता? क्या सिंध फतह हो पाता? क्या इस्लाम फैल पाता? नहीं। ये कैरेक्टर था, ये किरदार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैं आप सबको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी फील्ड के साथ साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फील्ड को छोड़ो, बल्कि हमारा दीन हमें सिखाता है कि हम मुख्तलिफ फील्ड्स को ज्वाइन करें ताकि हम अपने मुआशरे को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। ऐसा है कि नहीं है? सिखाता है हमें कि नहीं सिखाता? सिखाता है। आप डॉक्टर भी बनो, आप इंजीनियर भी बनो, आप आर्मी ऑफिसर भी बनो, आपने जो बनना है बनो, लेकिन अपने ज़िंदगी गुजारने का ये जो तरीका है वो अपने दीन से सीखो, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। उनके अखलाकियात क्या थे, वो किस तरीके से लोगों से पेश आते हैं। इस्लाम तलवार की बुनियाद पर तो नहीं फैलाना पूरी दुनिया पर, बल्कि ये अखलाकियात ही तो थी कि जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होते थे और वो इस्लाम कबूल कर देते थे। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा कौन सा राज है, ये ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में फिर इस्लाम फैला? ये क्या ताकत थी, ये राज क्या था? हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। जब अरब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, आप सबने पढ़ा होगा कि अरब के लोग ऐसे थे कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जितने भी अरब के कबीले थे, दुश्मनियाँ आपस में ऐसी थी कि एक दूसरे की खोपड़ी में शराब डालकर पीते थे, ऐसी दुश्मनियाँ थी आपस में।
ऐसी दुश्मनियाँ थी कि जी जहाँ कहीं भी उनको अपना दुश्मन नज़र आता था, चाहे वो फैमिली के साथ जो कुछ भी हो, उसी वक्त उन सबको मार देते थे, कभी रुकते नहीं थे। जहालत ऐसी थी, जहालत की इंतहा इतनी थी, अंधेरा इतना था कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ते थे। ऐसा है कि नहीं है? ये जहालत की इंतहा थी अरब उस दौर में। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद और क़ुरान मजीद के नाजिल होने के बाद ये सब कुछ बदल जाता है। ऐसा है कि नहीं है? सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? फिर उसी उन्हीं अरब कबाइल में से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग निकलते हैं, अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग निकलते हैं, उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग निकलते हैं, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग निकलते हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग निकलते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग निकलते हैं, और इस तरीके से करते करते हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जितने भी सहाबी थे, ऐसे किरदार हम सब के सामने आते हैं जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में, उस माहौल में, उस अरब में जब तशरीफ़ लाते हैं, इतने खूबसूरत किरदार हमारे सामने आते हैं कि आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं। ऐसा है कि नहीं है? है ऐसा? अच्छा, अरब के बाद जब एक ऐसा दौर आया कि फिर मुसलमान बिखर गए, कोई रास्ता नहीं उनके पास, कोई लीडर नहीं उनका, कोई डायरेक्शन नहीं उनकी ज़िंदगी की, सब आपस की गद्दारियों में, आपस के लांझों में, आपस की दुश्मनियों में सब जकड़े हुए हैं, और सलजोकों की सल्तनत होती है जो ख़त्म होने वाली होती है, ऐसे दौर में ऐसी क्या ताकत थी, ऐसा कौन सा राज था जो सुलेमान शाह से लेकर उसके बेटे अर्तुगरुल तक, अर्तुगरुल से लेकर उसके बेटे उस्मान तक, उस्मान से लेकर उसके बेटे औरहान तक, फिर चलते 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 मोहम्मद बिन फातह तक, और फिर चलते चलते 600 साल उस्मानियों की सल्तनत बनती है। एक छोटे से कबीले थे, वो कबीला जिसके पास खुराक तक नहीं है, वो कबीला जिसके पास अपनी रहने को जगह नहीं है, कभी बिजेंटाइन एम्पायर में तो कभी सलजूक एम्पायर में तो कभी अलेपो में, कभी कहाँ जाते हैं कभी कहाँ जाते हैं, खाना बदोश है, अपना कोई घर नहीं है उनका। ऐसे लोग जिनके पास अब खाने को कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, वो कैसे उठते हैं और 600 साल खिलाफत बनाकर चले जाते हैं? इस ये राज क्या था? वो राज क्या था कि सुल्तान मोहम्मद फातह उठता है और 24 साल की उम्र में वो जाता है और कॉन्स्टेंटिनोपल को, कॉन्स्टेंटाइन को जाके फतह करता है, बिजेंटाइन एम्पायर की उस दौर की सबसे बड़ी खिलाफत, उस दौर की सबसे बड़ी एम्पायर, उसको जाके वो ख़त्म करता है। ये राज क्या है? ये रास क्या है कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उठ खड़ा हो जाता है और जाके यरूशलेम को फतह कर लेता है? ये रास क्या है? ये रास क्या है कि तारिक बिन ज़ियाद अपनी किश्तियों को जला लेता है, क्या करता है? अपनी किश्तियों को जला लेता है और ये कहता है कि एवरी लैंड इज़ द लैंड ऑफ गॉड, और मॉडर्न स्पेन के अंदर घुसता है और उसको फतह करता है, मॉडर्न यूरोप को। ये रास क्या है? अच्छा, फिर ये सिलसिला चलता जाता है, ये रुकता नहीं है, ये सिलसिला ये कंटिन्यू है, ये चलता 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 सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री तक आ जाता है। बड़े सगीर पाको हिंद, पाकिस्तान जब बनने जा रहा था, अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कैसा कैसा मुमकिन है कि वो मुसलमान जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का, जो ग़ुलाम हो चुके हैं, अंग्रेज़ों की 90 साल हुकूमत में रह चुके हैं, वो घसे पिटे लाचार मुसलमान, कोई मकसद नहीं ज़िंदगी का, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, वो मुसलमान वो कैसे उठ खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान ये इतना खूबसूरत मुल्क बनाते हैं जिसमें आप आज़ादी से आप भी बैठे हो आज, और मैं भी आज़ादी से इसमें बैठा हूँ, हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, ये मुमकिन कैसे हुआ? इसकी वजह क्या थी? ये राज क्या था? जानना चाहोगे इस राज को? एवरीबॉडी इस राज को जानना चाहते हो? ये राज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में भी छुपा है, लेकिन कोई इसको पढ़ ले और कोई इसको समझ ले और इसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको भी ये राज मिल जाएगा। ये राज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के अलावा जलालुद्दीन रोमी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में छुपा हुआ है, शम्स तबरेज़ की ज़िंदगी में ये कलाम छुपा हुआ है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में छुपा हुआ, उनकी ज़िंदगी में छुपा हुआ ये चीज़। वो राज है खुदी। क्या एवरीबॉडी? क्या खुदी? अब खुदी क्या चीज़ है जिसके ऊपर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पूरा कलाम लिख दिया, वो चीज़ है क्या ये खुदी? इसका मतलब क्या है? हम तो सिंपली कह देते हैं दैट खुदी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, अना, ईगो, एंड दैट्स ऑल, बट व्हाट आई बिलीव इज दैट खुदी इज समथिंग बियॉन्ड ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट।
खुदी इज समथिंग बियॉन्ड ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. अब खुदी क्या चीज है, ये कैसी ऐसी ताकत है जिसने इतना सब कुछ कर दिया और ये सब हमारे पास अभी भी हिस्ट्री में मौजूद है. और ये एक ऐसी ताकत है कि ये थी भी, आज भी हम अगर इस ताकत को हम जिंदा कर लें तो हम अपने आप को सबसे बेहतरीन बना सकते हैं, हम अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं और पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद तक हम इस मुल्क को पहुंचा सकते हैं अगर हम इस खुदी के राज को जिंदा करें. यह राज क्या है? नो वन इज वर्दी ऑफ बींग वर्शिप एक्सेप्ट फॉर अल्लाह. ये वो राज है. क्या? नो वन इज वर्दी ऑफ बींग वर्शिप एक्सेप्ट फॉर अल्लाह. ये वो राज है. इस राज के बुनियाद पर अरब के वो लोग जो अपनी बेटियों को गाड़ते थे, जिंदा गाड़ते थे, एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ थी, खून के प्यासे थे, वो बदलकर इतनी बड़ी सल्तनत उन्होंने बनाई, इतना इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया, अमन का पैगाम पूरी दुनिया को दिया. और ये वो दौर था कि जिस दौर में इंसानी तारीख में सबसे पहली दफ़ा वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लिखा गया. ये वो दौर था, याद रखो. और ये वो ताकत है कि जिसके बुनियाद पर वो कबीला जिसके पास कुछ भी नहीं है, रहने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेंटों में वो सब खेमों में रह रहे हैं, वो छोटा सा कबीला जिनको जो एक तरफ से जो है मंगोलों को भी फेस कर रहे हैं, टेम्पलर्स को भी फेस करते हैं, क्रुसेडर्स को भी फेस कर रहे हैं और अंदर से आपस की गद्दारियों में भी जकड़े हुए हैं, वो कबीला कैसे उठता है और 600 साल सल्तनत बना के छोड़ देता है. और फिर ये क्या, ये खुदी, ये कैसी, ये एक ऐसी ताकत है जिस तरह मैंने बताया कि अल्लामा इकबाल के दौर में जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसको उठाते हैं, उजागर करते हैं इस ताकत को, जब मुसलमानों के अंदर बेदार करते हैं अपने कलाम के ज़रिए से, तो वो मुसलमान कुछ भी नहीं था जिनके पास अंधेरे में थे सब, वो सब उठकर पाकिस्तान जैसा मुल्क बना के छोड़ देते हैं. ये खुद ही एक ऐसी ताकत है, याद रखो अपनी ज़िंदगी में. और ये ताकत है कि नहीं है कोई लायक इबादत के मगर अल्लाह. ये वो ताकत है. अब इस ताकत को सिर्फ सोचना नहीं है कि बिल्कुल हम सब तो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, राइट, हम सब अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक रब है, अल्लाह वाहिद भी नहीं है, अल्लाह अहद है, वाहिद से भी बियॉन्ड है, अहद है, एक ऐसी ज़ात है अल्लाह की जिसको हम अपनी इमेजिनेशन में नहीं ला सकते, अल्लाह एक ऐसी ज़ात है. अब इंसान की इमेजिनेशन कितनी बड़ी है, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर तक बना दिया इंसानों ने, लेकिन अल्लाह की ज़ात को वो इमेजिन नहीं कर सकते, अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है. अब सिर्फ इस बात को बोलना नहीं है बल्कि इस बात को समझना है और दिल के अंदर इस बात को फील करना है, यह सबसे बड़ी बात है. याद रखें, जब आप इस बात को अपने दिल के अंदर फील करोगे, मैं जहां भी हूं, कहीं भी हूं, जो वक्त भी है, अल्लाह मुझे देख भी रहा है, अल्लाह मुझे सुन भी रहा है, इस बात पर जब आप यकीन रखोगे, जब आप इस बात पर यकीन रखोगे कि रात के अंधेरे में एक काली दीवार पर एक काली चींटी जा रही है, अल्लाह ताला को उसका भी पता है और हमारे दिलों के अंदर जो राज छुपे हैं अल्लाह को इसका भी पता है, जब आप इस बात पर यकीन रखोगे तो क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी. क्या होगा? बेहतर होना शुरू हो जाएगी. अब बेहतर क्यों होगी, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है. जब आपके अंदर ये एहसास होगा, ये डर होगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो आप कभी गलत काम नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में, कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे. सोचे ना, आप झूठ कैसे बोल सकते हो जब आप इस बात पर यकीन रखते हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जब हमारे वालिदैन हमारे सामने मौजूद होते हैं तो हम कोई शरारत करते हैं? नहीं कर सकते ना. क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है मेरे वालिद साहब यहाँ पे खड़े हैं, मेरा बड़ा भाई यहाँ पे खड़ा है, सो अगर मैं कोई शरारत करूँगा तो वो मुझे बेइज्जत करेंगे, मुझे डांटेंगे या मेरी पिटाई करेंगे. ऐसा डर है कि नहीं हमारे दिलों के अंदर? होता है ना हमारे अंदर कि जी हमारे टीचर्स हैं तो इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा. जैसे ही वो कमरे से निकल जाते हैं हम गपशप भी लगाते हैं, चीखे भी मारते हैं, एक दूसरे को तंग भी करते हैं, बहुत शरारती या जो कुछ भी हम करना शुरू कर देते हैं. तो इसी तरीके से जब अल्लाह का डर हमारे दिल के अंदर होगा तो हम कभी भी किसी से झूठ नहीं बोल सकते, हम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम कभी किसी के बारे में गलत सोच नहीं सकते, जेलसी नहीं रख सकते अपने दिल में किसी इंसान के बारे में, जब अल्लाह का डर हमारे अंदर होगा. और जब ये डर हमारे अंदर होगा और हम इसको कायम रखेंगे तो याद रखें, दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ. व्हाट? द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ. और इस परफेक्ट वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हुए इस दुनिया में भी आप कामयाब हो गए और आखिरत में भी आप कामयाब हो गए. दुनिया में कामयाबी कोई बड़ी चीज़ नहीं है. आप जो कुछ भी बन जाओ, बड़े अफसर बन जाओ, जो कुछ भी बन जाओ, ये इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है अगर आपकी आखिरत बिल्डअप नहीं है. अगर आपकी आखिरत में आपकी कामयाबी नहीं है तो ये दुनिया का ये रैंक, ये जो कुछ भी है, ये इट डज़ नॉट मैटर. इट डज़ नॉट
इट डज नॉट मैटर। तो हमने क्या करना है, हमने इस एहसास को बिल्ड करना है अपने अंदर कि अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह मुझे सुन रहा है, तो हम अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतरीन बना पाएंगे। फिर चाहे हमारे ऊपर जैसे भी हालात आए, हम हर हाल में खुश होंगे। तीन दिनों से कुछ नहीं खाया होगा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जो कुछ भी है तेरी ही तरफ से तो है जी, ये आजमाइश है तो तेरी ही तरफ से तो है, तो मुझे कबूल है। महबूब की तरफ से जो आजमाइश आती है इंसान उसको कबूल करता है, कभी रद्द नहीं करता उसको। तो जब ये आजमाइश, हम ये यकीन रखेंगे कि जो कुछ भी है अल्लाह की ही तरफ से तो है, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम तो ये समझते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, लोग हमें मौलवी कहना शुरू कर देंगे, लोग हमारे बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे, ये कारी है, ये मौलवी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तारिक जमील साहब सुनाते हैं ना अपना वाक्या कि जब मैं ये रायवन में जो है, मैं जब ये इलम हासिल करने लगा तो मेरे वालिद ने मुझे घर से निकाल दिया कि तू मौलवी बनेगा ना। हमारे मौशे में ऐसे ही सोचा जाता है कि ये अब मौलवी बनेगा, ये अब कारी बनेगा। अब देखिए कितनी बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कि कोई मौलाना बने, कोई आलिम बने, ये कितनी बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कि भाई आपने वो इलम हासिल कर दिया जो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था और जो वो लोगों को सिखा रहे थे, आप इतने बड़े आलिम बन गए। लेकिन हमारे मौशे को में इतनी इज्जत नहीं की जाती, राइट? किसी तबलीगी हजरात को हम देखते हैं या और लोगों को देखते हैं तो हम उसे अपनी जान छोड़ाते हैं, भागते हैं कि यार ये मुझे पकड़ ना ले, फिर मुझे मस्जिद के छुआ के ले जाएंगे। ऐसा होता है हमारे मौशे में, लेकिन ये गलत है। इस वे ऑफ लाइफ को अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं रहेगी। आपके सामने कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, या अल्लाह इस मसले को हल कर दे मेरे लिए। अब जब आप अल्लाह से मांग रहे हो कि मेरे लिए उस मसले को हल कर दो, तो क्या अल्लाह उस मसले को हल नहीं कर सकता? क्या अल्लाह किसी भी मसले को हल नहीं कर सकता आपके लिए? कर सकता है ना, तो हम फिर उससे क्यों नहीं मांगते हैं? हम फिर और लोगों का इंतज़ार क्यों नहीं करते कि यार कोई आएगा, हमें मोटिवेट करेगा, हमें समझाएगा, हम पैशनेट होंगे, फिर हम जाके काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी में ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हम फिर लोगों का इंतज़ार क्यों करते हैं जब हमारे साथ ऑलरेडी अल्लाह जैसी ज़ात मौजूद है जिससे हम किसी भी टाइम पर मांग सकते हैं और किसी भी टाइम पर हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं। जो कुछ भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, क्या वो नहीं देगा तुम्हें? देगा ना। हमारी अम्मी हमसे कितना प्यार करती है कि नहीं करती है? आप जो कुछ भी मांगो अम्मी से, क्या वो मना करती है? रात के 2 बजे आप घर आ गए, आपकी अम्मी उठ जाती है, बेटा घर आ गया, खाना खाया? जी नहीं खाया, बैठो मैं अब खाना लेके आता। खाना गर्म किया, गर्म गर्म रोटियां पका दी। रात के 2 बजे आपके लिए अम्मी ये करती हैं कि नहीं करती? कितनी मोहब्बत करती है आपकी अम्मी आपसे। तो अल्लाह वो ज़ात है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। क्या 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है? एक माँ आपसे इतनी प्यार करती है कि रात के अंधेरे में आप घर आओ तो वो अपनी नींद को कुर्बान करके आपके लिए रोटियाँ बनाना शुरू कर देती है, सालन गर्म करना शुरू कर देती है। तो वो अल्लाह जो उस जैसी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है आपसे, आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में? देगा कि नहीं देगा? आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, आप सिंपली हाथ उठा के अल्लाह से मांगो, या अल्लाह मेरा ये मसला है, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे समझा दे इस चीज़ में, मैं ये करूँ ना करूँ। जब आप इस चीज़ को बिल्ड करोगे अपनी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी परफेक्ट होती जाएगी, आपको कोई मसला पेश ही नहीं होगा। फिर इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करें, इस फिलॉसफी को अगर हम फॉलो करें, इस वे ऑफ लाइफ को हम फॉलो करें। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा सेशन और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रही आप सबसे। मुझे ये होप है, ये उम्मीद है कि आप सब ने कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट सीखा होगा इस सेशन से। एंड आई विश, बल्कि आई डू नॉट विश एंड आई इवन डू नॉट होप, आई बिलीव कि आप लोग जब जाओगे वापस अपने रूम में या आप वापस अपने कामों में, तो इन चीज़ों को आप अपने जहन में ज़रूर रखोगे और इस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करोगे। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? अपने आप को बेहतर बनाओगे? अपने होने से दूसरों को फ़ायदा दोगे? याद रखिए मेरी बात, ये आखिरी बात मैं करता हूँ और एंड करता हूँ, कि कभी ज़िंदगी में सेल्फिश ना बने। क्या बना बने? सेल्फिश ना बने, खुदगर्ज ना बने। अपने काम के साथ काम रखो, लेकिन दूसरे लोगों की भी जो काम है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसमें भी हाथ बटाया करो दूसरों का, दूसरों की मदद किया करो, दूसरों की हेल्प किया करो, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में है उनकी मदद किया करो। ऐसे लोग होते हैं हमारे मुआशरे में, जो कोई अगर गमज़दा हो तो उनके गमज़दा होने पर वो खुश होते हैं, ये कितनी गलत बात है। तो लोगों के गमज़दा होने में आप उनके साथ उनके गम में शरीक हो जाओ और उनकी खुशी में उनके साथ उनकी खुशी में शरीक हो जाओ।
जब आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बनाओगे तो याद रखो ये पूरी दुनिया फिर आपके पीछे भागेगी, यार ये देखो कैसा शख्स है जो हमारे गम में हमारे साथ गमजदा हो रहे हैं, हमारी खुशियों में हमारे हमें हमारे हमें शामिल कर रहे हैं अपने साथ, और अपनी खुशियों में भी शामिल कर रहे हैं, हमारी खुशियों में भी शामिल हो रहा है, ये कितना खूबसूरत किरदार है। फिर लोग अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देंगे आपके साथ, लेकिन उस वक्त आपने पेरेंट को समझाना है कि इसको कंपेयर ना करें, इसको इन्फेरियॉरिटी कम्प्लेक्स में ना ले जाएं, बल्कि आप इसको मोटिवेट करें। आप इसको ये ना बोले कि तुम ऐसे हो वो ऐसा है, तुम ऐसे हो वो ऐसा, बल्कि आप इसको ये बोलें कि वो ऐसा है तुम ऐसे हो तो तुम भी ऐसे बन सकते हो अगर तुम इसके लिए मेहनत करो। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? तो हमारी ज़िंदगी में हमारा आइडियल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमन होने चाहिए। ऐसा होता है ना कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल रोनाल्डो के फ़ैन हैं, है तो होते हैं ना रोनाल्डो के फ़ैन, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेसी के फ़ैन, नेमा जूनियर के फ़ैन, या ये जितने भी बाकी के फुटबॉल प्लेयर्स हैं या क्रिकेट के प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जितने भी हॉलीवुड के, हम उन सबको अगर पसंद करते हैं उसमें से किसी उसकी तरह हेयर स्टाइल बनाते हैं, है कि नहीं है, उसकी तरह कपड़े पहनते हैं, ऐसा है कि नहीं है, उसकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं भी रोनाल्डो की तरह लगूँ या मेसी की तरह लगूँ। क्यों? क्योंकि हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो अगर हम उनको छोड़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानकर और ऐसा करने लगें कि वो कैसे दिखते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस रंग के कपड़े पहनते थे, उनके बात करने का तरीका क्या था, खाने का तरीका क्या था, पीने का तरीका क्या था, वो किस तरीके से लोगों से पेश आते थे, मिलते कैसे थे, बातचीत कैसे करते थे, बैठते कैसे थे, सोते कैसे थे, लेटते कैसे थे, इन तमाम चीज़ों को अगर हम सोचेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अंडरस्टूड? एट दी एंड आई अगेन से दैट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत खुशी हुई मुझे आप सबको ज्वाइन करके। मुझे बताया गया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन है, सो शुड आई कंटिन्यू दैट? थैंक यू सो मच एवरीवन। तो क्वेश्चन आंसर सेशन को मेरे ख्याल से अच्छा मैं चला जाऊँगा, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, वंस अगेन थैंक यू सो मच।